नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एनटीपीसी सिंगरौली में शक्ति नगर के द्वारा 10/3/2022 से 16/3/2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिनांक 14/3/2022 को बच्चों के सांस्कृतिक प्रतिभा का विकास एवं आमजन के मनोरंजन हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बशुराज गोस्वामी, मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी सिंगरौली के द्वारा कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में आसपास के स्कूलों के विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न रचनात्मक मॉडल और पेंटिंग आदि का प्रदर्शन किया गया है। तदुपरांत मुख्य अतिथि एवं गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बच्चों के सृजनात्मक और सांस्कृतिक कौशल को बढ़ाने के लिए एनटीपीसी सिंगरौली रेहंद और विंध्याचल के बच्चों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत एनटीपीसी सिंगरौली के स्वागत गीत स्वागतम से हुई। तीनों परियोजनाओं के द्वारा लकड़ी की काठी, पेड़ बचाओ और गलती से गलती जैसे सामाजिक और रचनात्मक विषयों पर विभिन्न नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय लोक नृत्य लोक संगीत के समृद्ध इतिहास को बढ़ावा देने के लिए तीनों स्टेशनों के द्वारा बच्चों के द्वारा विभिन्न नृत्य प्रस्तुत किए गए हैं। एनटीपीसी शक्तिनगर के संत जोसेफ स्कूल के द्वारा तिरंगा मेरी शान का भव्य नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एनटीपीसी की गौरवशाली यात्रा 1975-2002 पर नाट्य मंचन था, जिसे मनोज नायर के निर्देशन में शैडो ग्रुप भोपाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिभाओं को बढ़ावा हेतु एनटीपीसी सिंगरौली के कर्मचारियों को, श्रमिक और स्थानीय समुदाय के लोगों को भी स्टेज पर अपनी कला प्रदर्शन करने का अवसर दिया गया, जिन्होंने मधुर गीत प्रदर्शन किया और दर्शकों का मनोरंजन किया। इसके अलावा मेले में मस्ती और उल्लासपूर्ण झूले, सेल्फी पॉइंट और स्वादिष्ट खाने के स्टॉल भी दर्शकों ने खूब पसंद किए। कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख एनटीपीसी सिंगरौली विंध्याचल रेहंद की महिला मंडल की अध्यक्ष, शक्तिनगर थाना प्रभारी मिथिलेश मिश्रा, आसपास के ग्राम प्रधान, मीडिया प्रतिनिधि सहित अन्य गणमान्य अतिथि सम्मिलित हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिनांक 15/3/2022 को ख्याति प्राप्त कवियों ने पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा एवं अन्य कवियों से सुसज्जित कवि सम्मेलन एवं दिनांक 16/3/2022 को सुप्रसिद्ध गायक श्री कुणाल गांजावाला एवं टीम ने सुसज्जित सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन प्रस्तावित किया है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।